गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल्स, इसके अलावा 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे एंड साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर हम आपको देते हैं स्टॉक रिलेटेड, साथ ही ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स और साथ ही रिकमेंडेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 20,700, दूसरा सपोर्ट लेवल है 20,550, पहला रेजिस्टेंस है 20,900 और दूसरा रेजिस्टेंस है 21,000। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो पहला सपोर्ट लेवल है 46,800, दूसरा सपोर्ट लेवल है 46,500, पहला रेजिस्टेंस है 47,200 और दूसरा रेजिस्टेंस है 47,500। चलिए अब देख लेते हैं 5 मोमेंट स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रिकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7-10 डेज के लिए। सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 3030 पर, स्टॉप लॉस 2955 पर रख सकते हैं, पहला टारगेट 3105 और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 3180 पर। अगला स्टॉक है JK पेपर, यहां पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 394 पर, स्टॉप लॉस 374 रख सकते हैं, पहला टारगेट 415 और दूसरा टारगेट 433 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक पावर ग्रिड, इसे बाय करने का रीजन है यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है तो बाय कर सकते हैं 222 पर, स्टॉप लॉस 215, पहला टारगेट 229 पर रख सकते हैं और दूसरा 235 पर। अगला स्टॉक कैनरा बैंक लिमिटेड, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 435 पर, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 422, पहला टारगेट 448 रख सकते हैं और दूसरा टारगेट 462। अगला स्टॉक HSCL, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 291 पर, स्टॉप लॉस 279, पहला टारगेट 303 और दूसरा टारगेट 315 पर रख सकते हैं। अब बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, तो अंबुजा सीमेंट वेंट अप 6.3%, दोनों टारगेट्स अचीव किए हैं इस स्टॉक ने जो हमने आपसे शेयर किए थे। इसके अलावा सन फ्लैग, इट वेंट अप 4%, इसने फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। चलिए अब क्विकली नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया, SBI एंड दालमिया भारत के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया है QIP एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ ₹105.42 पर शेयर। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये अक्वायर करने वाले हैं द एंटायर 20% स्टेक हेल्ड बाय SBI कैपिटल इन SBI पेंशन फंड्स फॉर ₹229.5 करोड़। इसी के साथ दालमिया भारत ने पुनीत दालमिया को अपॉइंट किया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स, जो इफेक्टिव होगा 8 दिसंबर 2023 से। अभी के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रिकमेंडेशंस के लिए की फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आपके कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।